Hello friends, I am Sunisht and you are watching Indian Engineer. आज का टॉपिक है हमारा कैंप प्रोफाइल एंड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि हमने 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे 11वां दिन है, मेरे ख्याल से 11वां 12वां दिन है यूट्यूब पे हमने 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से वरना कभी नहीं हो पाता। तो थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आज का टॉपिक हमें स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, जो हम कैम एंड प्रोफाइल बनाएंगे उसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का यूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैम एंड कैम प्रोफाइल और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के। पहले हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पहले एक चीज़ हमें लेट करनी है, जो हमारा 360 है इक्वल टू 36 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारा जो 10 डिग्री होगा इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हमें दे रखी हैं। जो हमारा मोशन है कैम का वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। और जो हमारी कैम का लिफ्ट है, मतलब जो हमारी कैम है वो इसेंट्रिक कैम है, वो कितना ऊपर तक हमारे फॉलोवर को ऊपर करेगी, वो हो गई 40 मिलीमीटर तक ऊपर करेगी। एसेंट क्या होता है, जब कैम उठना चालू होता है, जैसे एक कैम है, ये क्या कहते हैं, ये कैम है, ठीक है, जब इस एंगल से ये उठना चालू हो इसे एसेंट कहेंगे। और ड्वेल क्या होता है, हमारा थीटा टू, ड्वेल जो है वेल है जो एंगल जब हमारा कैम उसको एक ही पोजीशन पे होल्ड करके रखेगा वह ड्वेल। और डिसेंट क्या होता है, डिसेंट होता है हमारा जब हमारा कैम नीचे की तरफ आएगा उसे कहते हैं हम डिसेंट, ठीक है। मैं आपको एक डायग्राम शो कर देता हूँ यहाँ पे और आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम पहले सबसे पहले इसमें हम 36 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। मैं पेंसिल ड्राइंग बना रहा हूँ क्योंकि मैं भाई अगर मैं यहाँ पे पेंसिल यूज़ करूँगा तो बहुत लाइट हो जाएगी, वो आपको शायद विजुअल भी ना हो, इस वजह से मैं लेकिन आपको ड्राइंग बनाते हुए हमेशा पेंसिल का ही यूज़ करना है, ठीक है। पहले हम 36 सेंटीमीटर, ये हमारा 25 सेंटीमीटर का स्केल है, हम ड्राफ्टर यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा 25 है। आपको पूरा 36 बनाना है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे अभी मैं 25 का ही बनाता हूँ। क्यों? अब पहले देखते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री दे रखी है। 60 डिग्री के लिए हम पहले 60 डिग्री पे टिक कर लेंगे। यहाँ पे 60 आ गया, ठीक है, एक यहाँ से एक यहाँ तक। अब यहाँ पे 45 दे रखा है, यानी कि 45 मिलीमीटर हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब 90 बोल रखा है तो यहाँ इस पॉइंट है यहाँ से हम 90 मिलीमीटर मार्क कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हमें लिफ्ट कितना बोल रखा था, 40 मिलीमीटर हम इसे लिफ्ट दे देंगे। यहाँ से हमारा 40 मिलीमीटर यहाँ पे गया और एक एंड में जो हमारा सबसे एंड पॉइंट आया था, ये सॉरी हिल गया, हमारा जो हमारा एंड पॉइंट आया था ये एंड पॉइंट, ये रहा एंड पॉइंट से हमारा 40 मिलीमीटर यहाँ पे एक मार्क दे दिया। अब इन दोनों को हम एक मैच कर देंगे। मैं ड्राफ्टर का यूज़, और हाँ अगर हम ड्राइंग बनाते हो ड्राफ्टर का यूज़ कर रहे हैं तो हमें बहुत आसानी पड़ती है ड्राइंग बनाते हुए, ठीक है। पर ये भी देख लेना चाहिए आपको ड्राफ्टर हमेशा एकदम करेक्ट हो। कभी कभी किसी का ड्राफ्टर आगे पीछे हो जाता है तो ड्राइंग भी बहुत गलत हो जाती है, ठीक है। पहले हमें इतना कर लेना है, इतना कर लिया, ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ये हमारा 45 डिग्री हो गया और ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये लाइन आपकी आगे बढ़ती रहेगी 236 सेंटीमीटर तक, क्योंकि यहाँ पर जगह छोटी है, मेरे को थोड़ा सा और काम करना है। तो ऐसे हम पहले इतना बना दिया और इसके आगे भी हमें कुछ चीज़ें करनी है, मैं आपको बताता हूँ। हमें अब लेना है कंपास को। अब इसके हाफ में ये हमारा क्या कहते हैं 40 मिलीमीटर है, यानी कि 20 मिलीमीटर हमें मार्क कर लेना है। 20 मिलीमीटर ले लिया हमने, 20 मिलीमीटर का एक हल्का सा आग लगा के एक हाफ सर्कल यहाँ पे बना देना है, ठीक है। हाफ सर्कल बना दिया, इस हाफ सर्कल को हम इसकी मदद से 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको पहले डिवाइड करते हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा लिए हैं, हमें हम इसे इस पॉइंट को जिसकी मिड पॉइंट है इससे मैच करते हुए चलते हैं। ये मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं टाइम बचाने के लिए हम इसे इस पार्ट को थोड़ा स्किप कर देते हैं, आपको सीधा मार्क पॉइंट पार्ट दिखाते हैं। अभी हमारा 6 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब जो ये वाले पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें इस तरफ स्प्लिट कर देना है। एक पॉइंट लेके मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये लिया, इसको बढ़ा दिया हमने, ठीक है। अब ऐसे ही हर एक पॉइंट को इधर लेके आते हैं। अब हमारा डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है, ठीक है। अब ये अब कुछ ऐसा दिखेगा। अब जो ये 60 है, इसको हमें 6 पार्ट, मतलब आप सब सबको 6 पार्ट में डिवाइड कर लेना, लेकिन 12 वाले हिस्से को हमें ब्लैंक करना था। सॉरी मैंने लाइन खींच दी यहाँ पे, लेकिन इसे ब्लैंक रखना है। अब इसे हम 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, तो इसे पूरा डिवाइड करते हैं। ये हमें 6 हिस्सों में डिवाइड करना था, तो हमने 10-10 मिलीमीटर पे हाफ कर दिया, मतलब 6 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब इन सबको हम ऊपर की तरफ स्प्लिट कर दें। अब इसी तरह हमें इस हिस्से को भी 6 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, तो ये 90 है, इसे 6 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, हमारा 15 मिलीमीटर आ जाएगा। तो हम इसे 15 मिलीमीटर के मार्क पर डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा ये 15-15 के पार्ट में डिवाइड हो गया। और इसी एग्जैक्ट ऐसे ही से हम ऊपर की तरफ इस लाइनों को ऊपर ले जाएंगे, तो ये लाइनें ऐसी जाएंगी, तो इसकी ड्राइंग कुछ ऐसी दिखेगी। अब हमें क्या करना है, एक छोटा स्केल ले लेना है, छोटे स्केल से जो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन पॉइंट को हम मीट कर देंगे। इन हम सभी पॉइंट को मीट कर देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमें मीट करना है, ठीक है। इस पार्ट को हम थोड़ा स्किप करते हैं, थोड़े वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, तो मैं ये बना देता हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो हमने हम इन सब पॉइंटों को हमने ऐसे मिला दिया। और उससे पहले मैंने एक काम और किया है, जो यहाँ पे हमने चीज़ों को थोड़ा नंबरिंग किया है। जो ये सर्कल था, इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे के पॉइंट को 0 से लेकर 1, 2, 3 ये डिग्री यहाँ पे जा रहा है, ये 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब ऐसे ही काम करेंगे, जो ये पॉइंट था और इस पॉइंट को हम मिला देंगे। ये देखो, ये जो पॉइंट, इसके नीचे वाले पॉइंटों को हम मीट कर देते हैं। और एक पे मैं बार बार एक चार दूँगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, जो ये जो बीच की लाइन है, जो ड्वेल वाली है, यहाँ पे जो ड्वेल है, यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं आएगी, यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं आएगी हमारी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, और हम इन पॉइंटों को अपने छोटे वाले स्केल की मदद से मिला देते हैं। ऐसे सब पॉइंट को मिला के आगे देखते हैं। इसी के साथ हमारी ये पूरी लाइनें मीट हो गई। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये पॉइंट है, इन्हें अल्फाबेटिक नंबरिंग कर देनी है। अल्फाबेटिक मतलब अल्फाबेटिक नंबर कर देने हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए, ये हमारा 0 से यहाँ से स्टार्ट होगा, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब जो ये अब ये उल्टा आने लगा है, तो हमारा जो नंबरिंग होगी हमारी एफ डैस ई डैस डी डैस डी है सी डैस बी डैस और ए डैस और 0 0 यहाँ पे आ गया। तो ये चीज़ ऐसे चलेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखिए, सॉरी डैस 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 4 डैस। अब ये थोड़ी उल्टी तरफ आ गया मेरा डैस, मतलब इस तरफ जाएगा। देखिए, जब हमारा कैम ऊपर की तरफ जा रहा है, कैम ऊपर की तरफ जा रहा है तो ओ में जाएगा। अब जब कैम नीचे की तरफ आएगा तो इसमें डैश लगते हुए आएंगे, डैश या फिर ई डैश बी डैश ई डैश ई, क्योंकि हमें क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो ये नंबरिंग को थोड़ा सा अलग करने के लिए हम इसमें डैश लगा देते हैं, ठीक है। अब हम आगे अपनी कैम की प्रोफाइल स्टार्ट करते हैं। कैम प्रोफाइल के लिए चाहिए हमें कंपस, और कंपस में हमारा टूल ने बोला है रेडियस ऑफ कैम कितना है, 60, ठीक है। रेडियस ऑफ कैम 60, रेडियस यानी कि 60 हमें लेना है, तो इसे हमें एक सर्कल बना देना है। ये हमने सर्कल बना दिया। अब सर्कल से क्या करना है, ये सर्कल का ये मिड पॉइंट ये रहा हमारा, और मिड पॉइंट से हम इन्हें एक क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देंगे। तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये हमें अभी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, तो इसे करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ड्राइंग अपनी कैम प्रोफाइल बनाने में, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हो गया। अब क्या करना है, अब आपने लेना है अपना डी। अब देखिए, जो मेरा स्टाइल है कैम प्रोफाइल बनाने का, वो है कि मैं 90 से इस तरफ, जो मैं पहले ड्वेल एंगल बनाता हूँ, ड्वेल एंगल हमारा 45 था, 45 divided by 2 22.5 डिग्री, तो हमें यहाँ से रखना है, और हमें 22.5 इधर
और 22.5 इधर ले लेना है। तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये आपके चीज़ें पेंसिल से बनेंगी और इस लाइन को आपको थोड़ा आगे लेना है। मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा क्या अब आगे लेना है। अब देखिए, अब हमारा ड्वेल एंगल हो गया, ड्वेल के इस तरफ हमारा 60 है और ड्वेल के इस तरफ 90 है, हमारी एज काफ़ी आसान हो गई। तो हम इसका यूज़ करते हुए, अपने प्रोटेक्टर का यूज़ करते हुए, इधर हम 60 का एंगल ले लेंगे और इधर हम 90 का ले लेंगे। तो देखिए, मैंने इसको 60 में, ये जो एंगल है हमारा 60 है, ये एंगल हमारा 45 है और ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने इसे 6 पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे इन दोनों को हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। तो मैं इनमें मार्किंग करके आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और ऐसा ही ऐसे 6 पार्ट में, ये जो बीच का एंगल है ये हमारा 10 डिग्री है और इसे 15 डिग्री के बीच में डिवाइड कर लेंगे। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे भी क्या लेते हैं 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसे भी 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हमें इसी जो कैम प्रोफाइल है, ये है, ये 40 मार्क्स का आपका टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में ये 40 मार्क्स के आएंगे। तो ये बहुत ईजी भी है और बहुत जल्दी से बन जाना है। अब हमें क्या करना है, जो हमें अपने कंपास को लेना है, जो हमारा ये तो जीरो पॉइंट हो गया, अब इसे पहले मार्क कर लें, ये जीरो पॉइंट है और ये जीरो डैश है, ठीक है। अब हमें ए वन डैश लेना है, ए वन ले लेंगे, ए वन हमने ले लिया और इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट पे एक मार्क कर देना है, ठीक है। ऐसे हम सब पे मार्क कर देंगे, बी लिया और इसे हमने मार्क कर दिया, हमें सी लिया थर्ड पॉइंट से और सी से हमने मार्क कर दिया। देखो बहुत ईजी है। अब फोर्थ लिया, फोर्थ को हमने लिया, फोर्थ को हमने मार्क कर दिया। तभी मैंने कहा था अपनी लाइन्स को थोड़ा आगे रखना, उससे क्या होगा हमें मार्किंग में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब ये लिया, अब हमारा 6 पॉइंट जो हमारा 40, तो ये हमारा 40 है, जो हमारा कैम था ये 40 तक लिफ्ट करेगा। अब एक्जैक्ट ही ऐसा इस तरफ करना है, तो डैश ले, एफ1 डैश लिया, एफ1 डैश 40 था हमारा, तो हमने 40 मार्क कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये फिफ्थ लिया, फिफ्थ ई, तो ऐसे मार्क कर दिया, 4 डी डैश थर्ड, तो समझिए हमारी कैम इस तरफ से चलेगी और इस तरफ आ जाएगी, तो हमारी कैम प्रोफाइल इस तरह होगी। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से हमारा कैम, पहले आप इस वजह से डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट, तो हमने फर्स्ट मार्क कर लिया, फर्स्ट मार्क कर लिया, जीरो तो हमारा पहले था। अगर आप कंफ्यूजन हो रही है कैसे बनाना है हमें, तो आप इनको नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमें हम लाइनें भी पता चल गए। अब क्या करना है आपको, फ्री हैंड, जस्ट फ्री हैंड से आपको इन सब पॉइंटों को मिलाते हुए आगे चलना है। हल्का फुल्का आगे पीछे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाती कुछ आपके। अब सारे पॉइंट मिल गए, अब सारे पॉइंट मिलने के बाद इसे नंबरिंग कर देनी है, ए बी सी डी ई एफ, एफ डैश ई डैश डी डैश सी डैश बी डैश, सॉरी ये इधर आ गया, ये इधर जाएगा, बी डैश और ई डैश, ये इधर नहीं है, आपको इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है, मैंने यहाँ पे बताया नहीं, जो हमारा कैम है वो नाइफ एज फॉलोवर यूज़ कर रहा है, तो नाइफ एज फॉलोवर करना है, एक आपको एक नाइफ बना देता है और इसे लिख देना है नाइफ एज फॉलोवर, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, इसी के साथ हमारी कैम एंड कैम प्रोफाइल, ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का, इसे यहाँ पे आपने लिख देना है कैम प्रोफाइल और ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, ठीक है। ये बहुत आसान है, आपको करीब ही करते हैं, 40 मार्क्स का टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो हमारी कैम प्रोफाइल वाली, अगर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अगर आप शेयर कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और आपके 11 सपोर्ट के लिए बहुत, जो हमें 200 कंप्लीट की हाई होप, हम जल्दी से जल्दी 300 भी कंप्लीट करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।